पत्रकार सूचनाओं के प्रेषण और निष्पक्ष रूप से उसके विवेचन की भूमिका निभाता है। जब कोई घटना आपको सामाजिक पटल पर, आध्यात्मिक पटल पर घटित होते हुए दिख जाती है और उस घटना की आप उस समाज के संदर्भ में समग्रता से विवेचन करते हुए उस घटना की अनुमोदना कर देते हैं, आप पर सवाल तब भी खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जैन संस्कार विधि से रक्षाबंधन, तेरा पंथ धर्म संघ में यह प्रक्रिया हुई और तेरापन समाज की प्रतिष्ठित संस्था जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उनके माध्यम से हुई। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर भी आई और हमें वो प्रसंग इसलिए उचित लगा क्योंकि समाज की एकजुटता, उस संप्रदाय की एकजुटता और आडंबर और पाखंड का न होना, मांत्रिक रूप से अनुष्ठान होना और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले कुछ शब्दों की लड़खड़ाहट से या फिर घर में रखी हुई किसी बात के जल्दबाजी में बाहर आ जाने की वजह से जैन समाज के अन्य संप्रदायों के बीच में कुछ सवाल हो गए थे तेरापंथ समाज के आचार्य श्री महाश्रमण जी के उद्बोधन की कुछ पंक्तियों के बाद। हमें लगा कि उस जख्म पर ये मरहम अच्छा है और मरहम की जब बात आई तब हमने उसकी अनुमोदना कर दी। अब हमें क्या पता था कि लोग जब हमसे ये सवाल करते हैं कि आपको तेरापन समाज में कोई अच्छाई ही नहीं दिखती, आप हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, और जब हम किसी बात की प्रशंसा कर दें, अनुमोदना कर दें, तब भी लोग हम पर सवाल उठाते हैं। अब आप हमें बताइए हम कहां जाएं? अगर किसी तथ्य की प्रशंसा कर दें जो कि हमें समग्र समाज के रूप में एकता की प्रतीक लगे, सद्भावना की प्रतीक लगे, तो तेरापंथ समाज के मर्यादा को समझने वाले लोग फिर हमसे ये सवाल करने लग जाते हैं कि दर्व पूजा का विधान तेरापंथ नहीं मानता, तेरापंथ में सिर्फ भाव पूजा ही मानी जाती है। सोशल मीडिया पर बातचीत का दौर, यूं कहूं प्रतिक्रियाओं का दौर, और मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर भी तल्ख प्रतिक्रियाएं कुछ आई और कुछ ऐसी आई जिसमें एक निवेदन भी था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं, आपने तेरापंथ धर्म संघ की जहां पर मर्यादा की हानि हो रही है वहां पर भी उसकी अनुमोदना की, यानी समाज के लिए आपने गलत संदेश दिया। अब मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर यह सवाल आपको तेरापंथ युवक परिषद से सबसे पहले पूछना चाहिए और उनका जवाब लेना चाहिए।
और तेरा पंथ धर्म संघ के सर्वोच्च मुखिया तक आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि मर्यादा की बात जब आप कर रहे हैं तो मर्यादा का जवाब समाज देगा, यानी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया वे लोग देंगे, और उस समाज के सर्वोच्च पद पर जो मुखिया जी हैं, गुरु जी हैं, ये वो देंगे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं ये कहता हूं कि दर्भकाल क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, और अगर हम यहां पर भी थोड़ी उदारता दिखा देते हैं तो इसमें आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। आपने जो अपनी शिकायत की, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं अपनी बात यह कहूं जो मर्यादा की बात नहीं के अधीन नहीं है, मैं व्यवहारिक पक्ष के अधीन बात कर रहा हूं, और वो ये है कि मुझे इस आयोजन में आपत्तिजनक कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, जो लोग मर्यादित होकर के धर्म संघ की मर्यादा पर ही अपनी बात कह रहे हैं, वो सवाल उठा सकते हैं, उनका सवाल वाजिब हो सकता है, पर उनका जवाब देने का अधिकारी मैं नहीं हूं। आपको जवाब लेना है तो आपको अपना सवाल वहां पूछना होगा कि ये प्रक्रिया हुई क्यों। अरे, मैंने तो अनुमोदना की है, और व्यक्तिगत रूप से मैं अब भी अनुमोदना करता हूं, क्योंकि मुझे एक धर्म संघ की मर्यादा से ज्यादा मुझे समग्र जैन समाज की एकता मेरी प्राथमिकता है, और वो इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा विवादास्पद बयान हो गया था, उस जख्म पर मरहम लगाने की आवश्यकता मेरी प्राथमिकता है, और भाव पूजा, दर्व पूजा, इसमें सिर्फ आपत्तिजनक आपके हिसाब से जो बात आई है कि साधु संतों की उपस्थिति, अन्यथा जैन धर्म के तेरापंथ धर्म संघ में शादी भी जैन विधि से होती है, दीपावली का भी प्रावधान है, तो अगर रक्षाबंधन मना लिया तो आपत्ति क्यों है? अगर आपकी आपत्ति है कि साधु संत उपस्थित क्यों थे, क्योंकि मेरे पास एक प्रतिक्रिया आई है कि सांसारिक कार्यों में हमारे साधु संतों की उपस्थिति की आप अनुमोदना कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपके सवाल पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। आपका सवाल तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा की कड़ी में सही हो सकता है, लेकिन मेरा एक सवाल है मान्यवर, और वो ये है कि एक त्योहार में समाज एकजुट होकर अगर संत समुदाय या साध्वी समुदाय के बीच में अपना ये उत्सव मना ले जैन विधि से, संस्कार विधि से, उसमें आपको आपत्ति हो जाती है, आप संस्थाओं में और अन्यत्र सामाजिक व्यवस्थाओं में जो हस्तक्षेप तेरापंथ धर्म संघ के साधु संत या यूं कहूं आध्यात्मिक पथिक करते हैं, उस पर आप आपत्ति नहीं करते, ये संलिप्तता कहां पर घातक है? जहां पर घातक है आपत्ति वहां कीजिए, जहां पर मंत्रों का उच्चारण है और
समाज सामूहिक रूप से एक उत्सव को मना रहा है, वहां पर अगर साधु संतों की उपस्थिति है तो मेरे लिए यह आपत्तिजनक नहीं है। मैं पुनः कहूंगा, दर्व काल क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी चीजें जब बदली है तो तेरा पंत धर्म संघ की मर्यादा में थोड़ी उदारता का मिश्रण मिला दिया जाना चाहिए। यानी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्वीकृति दी जानी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। और मेरे इस निवेदन पर अगर तेरा पंत समाज के उन लोगों को जो मर्यादा पत्र के आधार पर बात करते हैं, उन्हें तकलीफ अगर हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको यहां पर तकलीफ होती है तो मेरा निवेदन आपसे यह भी है कि फिर आप अपने धर्म संघ के आध्यात्मिक पथिकों को सभा संस्थाओं में इंटरफियरेंस करते देखें तो वहां पर भी आपको तुरंत टोकना चाहिए। मान्यवर, वहां से इनकी संलिप्तता हटाइए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धर्म संघ के लिए यह सबसे बड़ा घातक विषय है। एक छोटा सा संदर्भ मैं और जोड़ूंगा। हमारे एक व्यूवर्स ने हमें एक क्लिप भेजी, जुलाई की है, शायद 5 जुलाई की, जिसमें साध्वी प्रमुखा जी यात्रा वृतांत सुना रही है आचार्य श्री जी को, और उसमें उन्होंने जो भाव विभोर होकर के एक बात कही है कि जैन समाज में जो अन्य संप्रदायों में तेरा पंत समाज की बेटियां ब्याही गई है, वो बेटियां बहुत खुश होकर के ये कह रही है कि हमें दर्शन करने की और यहां पर कार्यक्रमों में भाग लेने की हमारे संप्रदाय से पूरी छूट है। मतलब हमारे ससुराल पक्ष में भी तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य जी पधार रहे हैं, इस पर बड़ा उत्साह है और हमें पूर्णतया सेवा करने की, कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेने की पूरी छूट दी है। अब यही बात मैं कहना चाहता हूं, जब 5 जुलाई को साध्वी प्रमुखा जी ने यह बात कही थी, तब फिर 16 अगस्त को आचार्य श्री के मुखारविंद से उस बयान का आना क्या जरूरी था? जब साफ ये बात कही जा रही है कि जैन धर्म के दूसरे संप्रदाय से तेरा पंत धर्म संघ की बेटी अपने धर्म संघ की परंपरा के आधार पर आने के लिए कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर क्या फर्क पड़ता तेरा पंथ की बेटी जैन समाज के दूसरे संप्रदाय में चली जाए? समरसता बढ़ती है, एकता बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है और श्रावकों के साथ साथ दोनों तीनों चारों संप्रदाय के साधु संतों में आपसी समन्वय बढ़ता है, जो कि समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। मैं अपने उस व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। आपने एक बहुत शानदार क्लिप आपने भेजी, जिसने मन को सुकून दिया, और ये निवेदन करता हूं कि जैन समाज के सभी संप्रदाय अपनी बहुओं को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करें, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से आई हुई हो, अपनी रीति नीति परंपरा से वो अपने पीहर पक्ष की परंपरा को भी निभा सके। और उन बहुओं का दायित्व तब यह भी बनता है कि जो ससुराल उन्हें पीहर पक्ष की पूरी परंपरा को निभाने की
स्वतंत्रता देता है, वो बहू अपने ससुराल पक्ष की परंपरा को निभाने में भी उसी श्रद्धा उसी सम्मान के साथ जुटे, क्योंकि ये भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। व्यूअर्स से इस विषय पर अब बोलना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर आई कुछ प्रतिक्रियाओं की वजह से और हमारे एक व्यूअर्स ने भेजी एक क्लिप को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये विषय भी चला जाना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के मन में शिकायतें आपके लिए होती है कि आप समाज की मर्यादा के विपरीत अनुमोदना करते हैं, लोगों को बढ़ावा देते हैं, तब भी उस हकीकत को बताना ज़रूरी होता है कि ये सवाल सबसे पहले समाज के उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। सही जवाब वहां से मिलेगा, और वहां से अगर आपको संतुष्टि न हो तो फिर तेरापन समाज के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछिए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मुझे साधु संतों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में जो हस्तक्षेप होता है कि किस संस्था में कौन अध्यक्ष हो, कौन मंत्री हो, भवन कैसा बने, किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए, मुझे इन पर आपत्ति है। और अगर कोई संस्कार विधि होती है उसमें अगर साधु संत आते हैं तो सच कहता हूं मेरा दिल तो अब भी स्वागत करता है, अनुमोदना करता है। हां, मैं आपसे जरूर माफी चाहता हूं, क्योंकि आपकी राय के मुताबिक मेरा विचार अभी भी बदला नहीं है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप पर छोड़ता हूं, और कोई भी भूल चूक हुई है तो माफ कीजिएगा। आभार, नमस्कार।